ये स्लैब पे किसने गंद मचाया, अभी साफ हुई है। ये तुम थे ना किचन में, मैं क्यों बाहर जाऊं, गंद मचा रखा मेरे घर में। अरे हवा तो आने दे किचन में, ये क्या हलवा सा बनाया है? तू बाहर आ, मेरी किचन है तो इसमें मत आया कर। ओहो सोच लो, हाँ चल आउट, तेरा वो है पूरा घर किचन छोड़ दे, तो भारी पड़ जाएगा। तुम रुक जाओ, मैं निकालती हूँ सामान, गिराओगे बाहर, चलो। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आलू के परांठे, आलू के सैंडविच, और अब मैंने बनाया अपने लिए मेथी और मूली का परांठा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मेथी मैं ऐसे भून के रख देती हूँ, क्योंकि जो कच्ची मेथी है वो खराब हो जाती है, पल पल गल जाती है, तो भूनने के बाद आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं परांठे में, सब्जी में। तो ये मैंने मूली के साथ कर दी है मिक्स, और ये बन रहा है मेरा परांठा। ये देखिए फ्रेंड, जिसने नहीं देखा ये प्राइम ब्लॉग देखे जा करके। मम्मी खाना दे दो गाइस, मैच हो चुका है शुरू। खाना, अरे खाना तो खाऊंगी, डाइट पे हूँ तो। मूंग की दाल और रोटी दे दो विद हरी चटनी एंड खीरा, फटाफट उठ लो। एंड गाइस मेरा ये छाला अपने आप फट गया है, देखो। एंड जिसने भी प्रैंक व्लॉग नहीं देखा जरूर जाके देखो, अभी भी इतना हंस हंस के मजा आ गया। मम्मी भी हंस रही थी देखते हुए हमारा प्रैंक व्लॉग। मम्मी रहने दो, शुरू में ही आप हंसे जा रहे थे, पागलपंती झूठे। अभी प्रैंक व्लॉग चला दोगे ना, अभी हंसेंगी फिर से मम्मी। गाइस प्रैंक व्लॉग प्लीज, जिसने नहीं देखा जाके देखो, मजा आ जाएगा। जबरदस्त एक्टिंग है चंचल दी, मेरी, राधिका दी की, और वृत्ति को सॉलिड पागल बनाया है। नॉट ओनली वृत्ति, राधिका दी, पल्लवी दी, टीना दी, सबको पागल बनाया हमने। दीक्षा ने कोई गाड़ी लेके चला गया, पता नहीं कहाँ, बताया घर छोड़ गया वो। उसने मेरे को कल व्हाट्सएप पे रात को मैसेज किया था कि दीक्षा कल मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो गाड़ी क्यों लेके गया, वो तो मेरे नाम थी। तो कोई बात नहीं, बेचारा कैसी कैसे जैसे मर्जी ट्रेवल तो करेगा, बेचारे को गाड़ी दे दो। माँ का दिल इतना होता है, माँ पता नहीं क्या क्या दे दे, आप तो सिर्फ गाड़ी की बात है। और फ्रेंड, किसी ने हमारी गाड़ी परचेज करनी हो दिल्ली से बाहर तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल न्यू इंजन है हमारी गाड़ी का, तो हम लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी गाड़ी जो है वो दिल्ली में नहीं चलेगी, दिल्ली से बाहर चल सकती है। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और चलो खाना दे दो, भूख लग रही है। एंड कल मैंने अपने ये कुछ अनटच टॉप जो है रिटायर कर दिए हैं। नॉट अनटच, मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं। ये जैसे कि मैंने कभी नहीं पहनी, ये मैंने कभी नहीं पहनी, ये मैंने दो तीन बार पहनी है, ये मैंने कभी नहीं पहनी, ये मैंने स्टिल पहनी है। तो ये सब मैंने कर दिया, चौका मार दिया। रिटायर किसने? रोहित ने। है? रोहित ने चौका। तो ये सब मैंने कर दिया है रिटायर, तो ये किसी नीडी पर्सन को दे देंगे। कल काफी समेट दिया मम्मी हमने, और अभी ये सारा समेटना है। सो गाइस दाल रोटी आ चुकी है। नहीं, ये चाय का बना ले आज। मम्मी फटाफट से चाय पिला दो, स्वादी कभी नहीं बना रही। मैं थक गई सुबह से, ये देख कितने आज ये नहीं बनाएगी। इंडिया का मैच आ रहा है, आदत नहीं है, संस्कार नहीं है। ये भगवान अगर होते तो क्या हालत करती है हमारी। तुमने अपने घर की लड़कियां देखी है और मुझे देखा? अभी देखी नहीं है पापा ने, अभी देखी नहीं है तुमने। मेरी जैसी मिल गई ना, इसलिए उनके पतियों से पूछो जरा वो कैसी तोप है सारी की सारी। बुलाओ मिलाओ मीनू दीदी को, बोल बहनों के पतियों से भी पूछ लो, तेरे पति से पूछ लो, मेरे बहनों के पतियों से पूछ लो। बोल ही नहीं पाते बेचारे, इतने में बेचारे बुराई नहीं करते, क्योंकि करेंगे कहां से, करने लायक है नहीं।
जरा मिलाओ संदीप को, सोनू को, अभिषेक सबको फोन मिलाओ। अच्छा आज फोन हो ही जाएंगे सबको। मियां मिट्टू, अपने आप तारीफ नहीं करती मैं। ये स्टेडियम अहमदाबाद में कहाँ पे बना हुआ है? रिवर है ना। हाँ हम देखे थे हमने रिवर। हाँ रिवर हमने क्रॉस तो करा। बहुत बुरा जो ब्रिज नया बना है उसके पास ही तो है। और कल तक अहमदाबाद पूरा खाली हो जाएगा। हाँ रात में चले जाएंगे लोग। दीक्षा फोन आया था सरिता का कीर्तन में जाने। मम्मी मैच देखने दो, कीर्तन इनविटेशन मिल गया है मेरे को। जो भी बात कर रहे हैं ना रात को 12 बजे मैच खत्म होने के बाद। हाँ मेरे सर में फोड़ा नहीं है, मैं तो सो रही हूँ। अपने आप भूखे रहो, छीके रहो, कुछ भी बात कर रही हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। रात को 12 बजे तक जग और उसके बाद बता क्या तेरे को काम। मेरे सर में कोई फोड़ा तब तक बिल्कुल चीचा नहीं करनी, मैच चलने दो बिल्कुल। मैं तो सो रही हूँ यहाँ पे, तुम चाय पियो, हगो मुंह तो धो मत धो, मुझे कोई लेना देना नहीं। पक्का? मैं अपना सब काम करके सुबह फ्री हूँ। ठीक है फिर मैं बोला चाय बना दे, चाय बना दे। लेक्चर दे देते, मैं ये खाना भी क्यों बनाती। सब बात तो सही है। सुबह ही लग गई मैं सेकने में रोटियां। हर शनिवार कसम खाती है, कल संडे है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सुबह होते क्या बनाऊं क्या खाओगे? देखिए 3 बार तो मशीन लगाई, ये रे कपड़े बाहर, कपड़े मशीन में कपड़े। मम्मी किस लिए लगाई? फिर मेरे सर में फोड़ा है। यही तुम्हारे डायलॉग सुनने के लिए, मुझे पता था मैं तो चैन से सोती। सुबह तेरा बाप 3 बजे उठ के धड़बड़ इतनी जोर जोर के तो बाथरूम में वाइपर मारते हैं इंसान। उल्लू का पट्टा क्या सोले कमरे के अंदर। जैसे तू सोई होती है चाय, क्या इंसान सोले, क्या सारे काम करती है, कूड़ा नहीं फेंकती। लाइट मेरे सर पे ढल, मैं तो कुछ नहीं करती। चलो आगे, ये तो आया सारे काम करती है, कूड़ा ही नहीं फेंकती। हाँ इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढो, नेगेटिविटी में भी, कि सारे काम करती है कूड़ा ही नहीं फेंकती। हक गई मैं तो काम कर करके। ऊपर मैं डायलॉग सुन के 12 बजे के बाद बोलिए, मेरे सर में फोड़ा है, मैं तो बोलूंगी, मैं तो सो रही हूँ पढ़ के। लेटेगी सारे दिन वो गेम खेलेगी, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, हिलेगी नहीं। मेरे सर में फोड़ा है, 12 बजे तक जगूंगी। तुम्हारी तरह ना सो ना दूसरे को सोने दो। दरवाजे भाड़ भाड़, किचन में चाय बनाएंगे तो लाइट भी कट। अरे लाइट धीरे से ऑन कर लो, मैं तो कितनी लाइट जब रात को 2 बजे तक उठी होती है, जब कुछ नहीं होता, जब दूसरे सो रहे थे तब नींद खराब नहीं होती दूसरों की? मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। अच्छा इतना कहने के बाद तू किसी को कुछ नहीं कहते? धन्य हो धन्य। मैं 2 बजे यहाँ लेके हमारे भाग धन्य हो। टॉयलेट जाएंगे तो वो सीट भट भट, अगर मच्छर मारते क्या करते वो सीट पे भी, फिर वाइपर घट घट। क्या इंसान सो ले रही है, तो सोचो इंसान सो रहा है। 8 बजे हल्ला मचा लू, धीरे धीरे पोटी शुशु कर रहा हूँ मैं। चाय का फ्राई पे तो गैस गट पतला ही नहीं, कैसे रहेंगे करके मारेंगे चाय पट पानी फिल्टर से लेंगे मम्मी करके। दीक्षा मुझे गुस्सा आ रहा है आज सुबह के 3 बजे के उठ और खाएंगे कैसे? हाँ जान बुझ के, पता है मैं सो रही हूँ, 3 बार लाइट जलाई है कमरे की अपना हेयर कलर लगाने के लिए। बेराना बोलती है, बेराना कित जा रहे हैं बुढ़ापा। अब मैं वही देख रही हूँ कटिंग वर्टिंग करा के। झूठ बोलने पे मर जाते थे, आजकल बुखार भी नहीं होता इतना झूठ। मुझे समझ आता बेराना ये बाल कलर करके कित जा रहे हैं, ये कटिंग करा के बाल कलर हुए हैं, मूछे कलर हुई है। मैंने गाना गाया था ना, दाढ़ी ने काला कर रहा ऐसे उम्र छिपा हुआ बुढ़ा, ये देखो वही बात हो गई। दाढ़ी को काली कर करके, बालों को काला कर करके बेराना कित जाएंगे अभी बुढ़ापे में। चलो मैच देखने दो, 4 मिनट चूर चपड़ सुन ली है मैंने आपकी। 4 मिनट मैं तो सो रही हूँ, तुम पक्का काम जाने? चाय पियोगे? अब बना के पिला दे। नहीं नहीं सो जाओ। मम्मी वो नारियल की बर्फी आई थी मौसी के यहाँ से, मैंने तो उसका डब्बा तक नहीं देखा। ये देख रहे पापा के लखन, ओ पता था ये यही करेंगे, पता नहीं क्या ढूंढा ढांडी मचा रखी है। लड्डू गिरा दी क्या किया? ओ ये भावेश इतना महंगा महंगा सामान लाए जाता है। सुन ले क्या कह रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रही है। बता इसे मैं ओवर स्मार्ट क्या बन गई, खुद तो पटक मारा मैं ओवर स्मार्ट। इसमें भी आप, हाँ उल्लू उल्लू की पट्टी
और जब देखो वीडियो चल रही है, भगवान का शुक्र है सब देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ मोमोली सी बन के, खुद पटक दिया और कह रहे तू ओवर स्मार्ट बन गई है। पापा की ना गाइस पता है क्या होता है, मैं आपको बता, अट भी मेरी पट मेरी अंटा में, जैसे सपोज अब यहाँ पे ही कांच का ग्लास रखा है, अब ये सही रखा है, अगर ये वापस से गिर गया तो यहाँ तुमने गलत रखा, यहाँ क्यों रखा, यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों था, वैसे क्यों था, उसमें भी मतलब हम पे ब्लेम है मम्मी। स्लैब से पापा को उससे कुछ गिर जाए, अपने आप को खुद गाली दे रहे हैं, उल्लू कौन हुआ गाइस, हमारी गाली गाली नहीं होती, बस मजाक होता है। तो स्लैब पे भी कोई काम करोगे, कुछ गिर जाए, राखी तूने यहाँ रख दिया, मिक्स करके सब चीजों का तूने वहां रख दिया, तूने ऐसे कर दिया, अपनी गलती नहीं कहेंगे, अब चिड़पिड़ और किड़िया नहीं होगी, कहां तक कागज उड़ाए रहे हो, ये देखो, ये मैं कर दू ना, ये देखो मेरी मौत आ जाए अभी, अब ये सारा मेरे पैर में मिट्टी लग रही है, झाड़ू लगाओ पापा से, लगवा, इनको बहुत मिट्टी लगती है पैरों में, सुनो झाड़ू लगाओ, अपनी बारी में पापा अलग है, हमारी बारी में पापा अलग है, तो चल दिए पोटला पटीला उठा, तेरा ना मैच निकल जाएगा, तू मैच देख ले, 12 बजे के बाद बात कर, अब मैच देख ले, अपनी बात को देख लो कैसे कट कर रहे हैं, पीठा मीठा मेरे पैरों में तब कुछ नहीं, हाँ इनके पैरों में ना चिपक, आपके पैर में लगे, आपका कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, आपको सोने की जगह ना मिले कोई दिक्कत नहीं, आपको बेड मिट्टीदार हो कोई दिक्कत नहीं, क्यों ऐसा धुआतपन गाइस, ऐसा धुआतपन आप लोगों के घर में भी है कि पापाओं का अपना ही वो है, इतनी बार निकालती मम्मी ने, मम्मी फिर कहते हो शादी कर शादी कर, बेटा शादी तो करनी पड़ेगी, हमने तो झेल लिया, तुम जाके भोगे फोड़ना, मैं तो फोड़ दूंगी सबको, वैसे ही हरियाणा से हो, हरियाणा वाले फोड़ देंगे सबको, मम्मी कोई रिश्तेदार आने वाला है, क्यों कौआ देखो, डरा मत देखो, कौआ देखो भारी, इस टाइम रिश्तेदारी सुनना सुनना देखो सुनो, तो जब सुना हमारे यहाँ बोल रहा हो, बतेरे लोग हैं और गली में आवाज तो हमें ही आ रही है, गाइस मम्मी कह रही है डरा मत, बताओ मीनू दीदी देख लो आपके लिए कह रही है, आप ही कह रहे थे आने की, मीनू दीदी के लिए कौआ का का कर रहा है, क्योंकि मीनू दीदी कह रही थी दीक्षा मैं शायद कल आऊंगी, मीनू दीदी रिश्तेदार नहीं है, तो फिर रिश्तेदार कौन होते हैं, अच्छा लड़कियां, चलो रिश्ते, मीनू दीदी आप बच गए, आप रिश्तेदार नहीं हो, रिश्तेदार होते पियर वाले, तो है तो सही वो पापा के पियर वाले, सुनो मैंने सही गैसिंग कर दी, कौआ का का करना बंद कर दिया कौए ने, तो कोई आ रहा है, तेरा भाई आ गया, कोई और है, मम्मी दूध डाल दो चाय में, पानी बहुत ज्यादा दीक्षा, तो बहुत ढेर बनेगी चाय, अभी पानी पकने दो, सुनो मेरे को दूध डालने से बचपन याद आ गया, हरियाणा की चाय बिना दूध, मैं पापा के पास भागते ही जाती थी, हो मम्मी ने चाय में दूध डाल दिया, मम्मी ने चाय में दूध डाल दिया, भावेश तू कल गज्जक लाया, हाँ। कल तेरे को लेक्चर सुना रहे थे पापा, आज सारा ले गए, भाई मेरा बर्थडे का गिफ्ट, कौन सा बर्थडे, कैसे गिफ्ट, चिल्ड्रंस डे गया भैया, वो तो गया पक्का, अभी तो कहा था कि नहीं बर्थडे चिल्ड्रन से अपने दीदी बर्थडे में होते हैं, अरे नहीं दीदी को तो चिल्ड्रन डे की बात थी, बर्थडे की बात हो रही है, अरे मां का बर्थडे आ गया, 51 साल की हो जाएगी तुम्हारी मां, 50 की हो तो प्रेशर है गिफ्ट देने का, 51 की हो तो प्रेशर, तुम लोगों ने 50 गिफ्ट दे दिया, अब 51 दे दो, चाचा की चमची, चाचा खा रहा है, गाइस इंडिया जीतेगी, मुझे मैंने तेरे चाचा को सिखाया, अच्छा आपने चाचा को सिखाया, हाँ तेरी आ जाओ सारे मैच देखते हैं, तेरी दादी ने सिखाया था ये बता, तेरी दादी सुने को मैं चक्कर आया था ग्लू पता होगा, कौआ क्या क्या कर रहा था, मैंने बोला था ना कोई आएगा, देखा प्रिया आ गई ना, झूठ बोला था मैंने, गाइस पल्लवी दी के घर जाने का प्लान कर रहे थे, कौए को ना चुप कर दिया, कर कैंसिल कर दिया, सूझे आप भैया के साथ खेल रहे हो, गिर मत जाना,
पर मैं तो ऊपर जा रही हूँ खाना खाने, इसको ऊपर ले जाती हूँ या तो। हेलो, आप भैया को, भैया की पिटाई मत करना, भैया के साथ लड़ना मत, ठीक है? भैया के साथ लड़ाई मत करना, ओके? अरे यार गिरना जाए तो ये, अभी तो उसको छोड़ के आ रही है, छोड़ने जा रही थी। चलो ऊपर चले हम नानी पास, चलो ऊपर पॉप पॉप भी फोड़ेंगे, या पॉप पॉप फोड़ेंगे। बहन आई कांट पुकाइंग द ड्यूटी, कैसे लेके जाऊं उसको, क्या पटा के इसको टॉय चाहिए, इसको बोल टॉय दिलाऊंगी। चल गुल्ला, बहन बोल टॉय दिलाऊंगी, बोलो चल टॉय दिलाएंगी मासी स्कूटी पे। भैया भी ऊपर जा रहे हैं, भैया अपने घर जा रहे हैं, भैया की मम्मी बुला रही हैं। बाय कर दो भैया को, भैया को बाय करो, देखो भैया गए जा रहे हैं अपने घर, भाई बाय कर दो, हम भी चलते हैं ऊपर, जब भैया कल आएंगे ना तब आ जाएंगे। चलो आओ भैया, हाँ हम भी कल आ जाएंगे, भैया को कल आएंगे, भैया की मम्मा बुला रही है ना भैया को। चलो चलो भैया को बाय कर दो, आओ बाय तो कर दो भैया को। बोला तो तूने बहन थैंक यू, तूने बोला था बुलवाने के लिए। चलो आओ पहले नानी पास चलते हैं ऊपर। बहन यार क्या, बहन तूने मेरे को फंसाया है, इस लड़की ने मेरे को, बहन टॉय दिलाएगी, बहन ऊपर जाती बोलेगी टॉय दिलाओ। हाँ जा भी मासी स्कूटी की चाबी लेके आएगी, जा ऊपर मिकी माउस से मम्मी को डराए, जा सरप्राइज दियो नानी को, जा बड़ी नानी को ना, छोटी नानी को ऊपर जाके क्या बोलेगी, सरप्राइज। इसकी साइकिल देख के ना वो बिछड़ जाए, क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया, ओ शिट। चलो गेट खुल गया, चलो चलो बहन, हाउ टू हैंडल द किड्स, इसको ना ऊपर नानी नानी को सरप्राइज करा दियो। चलो चलो अच्छा चल जा चल बहन, अभी तो इसने जिद करना शुरू किया है, इसको दिला दे, हाउ विल यू हैंडल हर, दे जो जो चाहिए ना सब दिला दियो, जो मैं बहुत जा मासी दिलाएगी, जब बॉल दिला, भैया तो अपने घर जा रहे हैं, और एक इसको चाहिए स्कूटी, स्कूटी भी दिलाएगी, मैं अपनी ना दे दूं इसको, अपनी दे दे, चल गेट बंद कर फटाफट, ठीक है जा स्कूटी दिलाएगी मासी, बच्चों को हैंडलिंग सीख रहे हैं हम। छोटी नानी पास जाना है, बड़ी नानी पास।